ओम शांति, मनोबल और मनसा सेवा। ईश्वरीय सिद्धि और रिद्धि सिद्धि, विविध प्रकार की सिद्धियां और उनको यूज करने की आवश्यकता। रिवाजी जो रोजाना हम दुनिया में देखते हैं, सामान्य या साधारण रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती है तो कितनी अथॉरिटी में रहती है, कितनी अथॉरिटी में रहती है। किसी में कोई आत्मा आती है, किसी में कोई सफलता हो जाती है, जैसे अभी ये बागेश्वर बाबा है, ठीक है, कितना अथॉरिटी में। ऐसे ही वो भी अपने आप को कुछ ना कुछ समझना लगते हैं। यहां सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए भी आपको चाहे सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, होते हुए भी चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि, पहली सिद्धि है, चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि आपके पास है कि आपको कोई रोग आपके पास नहीं आता। बहुत सारे ऋषि मुनि या ऐसे मतलब व्यवहार सद्व्यवहारी जीवन जिनके अंदर कोई रोग नहीं आता, क्यों, उन्होंने अपने आप को उसी प्रकार से वो भी हाँ क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, तो ये भी। दूसरा है चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि, जैसे आग को प्राप्त सिद्धि कर लेते हैं। हमने एक बाबा को देखा, वो गर्म कढ़ाई में से पूड़ियां उठा लेता हाथ से, हाँ हाथ से, नहीं मतलब एक बाबा देखा हमने ना, दिखाया कुछ ने भंडार दिल्ली में है, कौन सी जगह पे कढ़ाई में उबलते पकौड़े हाथ से ही निकालता है, हाथ से ही निकालता है। हाँ मतलब वो मतलब होगा कोई और, मतलब आपने जिनको देखा होगा, मैंने देखा एक बाबा है वो सीधा कढ़ाई में से पूड़ियां ऐसे ही निकालता है, मतलब ऐसे ही पूड़ियां निकाल करके दे रहे हैं। नहीं मतलब पूरी तलते हुए ऐसे अंदर का हाथ डाल के निकालना, ऐसे साइड से निकाल लेना, निकाल दो कि हाथ से थोड़ा पकड़ में तो आए ना। मतलब कहने का है कि उन्होंने सिद्धि पा ली है ना, कि गरम गरम जो है ना क्या बोलते हैं खीर, गरम गरम खीर अपने ऊपर डाल देना, मतलब सिद्ध, मतलब अग्नि के ऊपर चलना, हाँ सिद्धि आ जाती है कि शरीर को उसी प्रकार से वो बना लेते हैं। सब नहीं कर सकते, टेम्परेचर में बैठ जाते हैं। हमने रूस के राष्ट्रपति को देखा, एकदम बर्फ के अंदर बिना ही वस्त्रों के कपड़ों के मतलब जाके बर्फ जो ना तोड़ रहा है, ये बर्फ पी रहा, पानी ठंडा पानी पी रहा, मतलब कहने का यह सिद्धि है। मतलब बाबा कह रहे हैं प्रकृति के किसी भी तत्व को मतलब को कंट्रोल करने की सिद्धि। तीसरी है चाहे कोई दुखी निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सदा सुखी बनाने की सिद्धि। अब ये तो सिर्फ बाबा के बच्चों के पास ही आ सकती है, अविनाशी ये तो कोई भी दूसरा दे नहीं सकता। बच्चा कोई दुखी है, निर्धन है, अशांत है, अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने की, सदा सुखी बनाने की सिद्धि। चौथी है निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि, संकल्पों को एक सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्पों को अपने वश में करने की सिद्धि। ये हमारे लिए सिद्धियां के पांचों सिद्धियां हमने दुनिया में नहीं देखनी, बाबा के बच्चों में देखनी है। क्या अब हमें सदा निरोगी बनने की भी सिद्धि दे दी, अब हम बाबा की श्रीमत पर चले तो हम निरोगी बन सकते हैं, सदा के लिए निरोगी बन सकते हैं, ठीक है ना। और चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को अपने कंट्रोल में, हम चाहे प्रकृति का कोई ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, हठ योग की बात नहीं है, मतलब हमारा जीवन ही ऐसा हो जाएगा कि हमारे पर कोई भी प्रकृति का तत्व प्रभावित नहीं करेगा। कब, जब हम अपने को आत्मा समझ लेंगे, सदा
स्वमान में स्थित रहेंगे तो हमें प्रकृति का कोई भी तत्व, ये पांचों तत्व हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, तो ये भी सिद्धि है। तीसरी चौथी पांचवी है संकल्पों को एक सेकंड में जहां जैसे ठहराना चाहो वह संकल्पों को अपने वश में करने की सिद्धि। छठी है पांच विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि। सातवीं है नेत्रहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। और आठवीं है अनेक परिस्थितियों की परेशानियों में मूर्छित हुई आत्मा को स्वासिद्धि द्वारा सुरजीत करने व जिए दान देने की सिद्धि। नौवीं है भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए भिन्न ठिकाना देने की सिद्धि। मतलब कोई बहुत भटकी हुई आत्मा है, उसको सदा काल के लिए आपने बाबा से मिला दिया, ये भी उसको ठिकाना मिल गया, ये भी सिद्धि है। जन्म जन्मांतर के लिए लंबी आयु करने की सिद्धि, क्योंकि आपने उनको जन्म जन्मांतर के लिए लंबी आयु का जीवन लेने का अधिकारी बना दिया, ये भी तुम्हारे पास है सिद्धि। अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि, किसी को सच समझ में आ गया तो उसकी अकाले मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। राजभाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि, ऐसी सर्व सिद्धि को सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितनी नशे में रहनी चाहिए। छोटा सा संसारिक कोई सिद्धि प्राप्त कर ले उसको कितना नशा रहता है, और आपको ये वंडरफुल सिद्धियां मिली हुई हैं। कितनी सिद्धियां हैं? 12 सिद्धियां मिली हुई हैं। और ये 12 सिद्धियों में अपने आप को क्यों भूल जाते हो? क्यों अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिवान से किनारा। लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिवान से किनारा, फिर कहां से मिलेगी सिद्धि? खिवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल को जब ढूंढते हो तो मिलेगा, या समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भोले व भूले बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक रहम भी? कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है, आवश्यकता व इच्छा है, तब तक अनन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकेंगे, रहम दिल नहीं बन सकेंगे। वह देने वाला दाता नहीं बन सकता, जैसे भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकता है, अल्पकाल के लिए कुछ शक्तियों के आधार से उन पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकता है, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। अच्छा अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग स्नेह हिम्मत उल्लास उमंग की इच्छा रखने वाला खुद इच्छा रखता है तो दूसरे को कैसे बना देगा? जो कमी मेरे अंदर है मैं दूसरे को कैसे दिला दूंगा? कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्वात्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते।
प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्वाधिकारी नहीं बना सकती। खुद नहीं बनी तो और एक औरों को भी बनना नहीं सिखा सकती। इसलिए क्या करो, अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो कि हमें कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त हो गई है, किस किस में हमने सफलता प्राप्त की है, और यूज क्या करेंगे उसको कि वो अनुभव हम सबके साथ शेयर करें, वो अनुभव हम सबके साथ शेयर करें ताकि वे भी उनका अनुभव कर सके। ये बाबा ने 26 जून 1974 को समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।